माँ माँ मेरी बात सुनिए माँ, रुक जाइए माँ। माँ मैं और क्या करता माँ, आपने आपने भाई साहब की शादी तय कर दी थी संध्या भाभी के साथ। पूरे शहर में पता था कि शादी जल्द से जल्द होने वाली। उधर भाई साहब जज्बातों से घिरे हुए थे, वो टूट चुके थे, बिखर रहे थे, वो इस हालत में नहीं थे कि वो कोई भी फैसला ले सके माँ। और उधर वो औरत प्रेग्नेंट थी, वो बार बार भाई साहब से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। इन सब चीजों के बीच में सारा प्रेशर मुझ पे आ गया था माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। माँ, इस सच की आंच उस वाल खानदान के नाम पे लग जाती माँ, तो मैं उसे चेकअप के बहाने डॉक्टर साहब की क्लिनिक में ले गया। और मुझे लगा कि उसे बिना बताए उसे आप उसका बच्चा गिरवा दूंगा तो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। गिरी, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या किया तुमने? तो मैं और क्या करता भाई साहब, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, हमारे घर की इज्जत का सवाल था माँ। तो क्या तुम उसकी जान ले लोगे? एक औरत की इजाजत लिए बिना उसका गर्भपात करवाओगे? किसने अधिकार दिया तुम्हें उस लड़की के लिए फैसला लेने का? उसका शरीर था, उसका गर्भ था, उसके बच्चे थे, तो हक भी उसका था। उसका ये सब करने से पहले तुम्हारी जमीन ने तुम्हें धिक्कारा नहीं? इतना बड़ा बोझ लेकर तुम इतने साल जिंदा कैसे रहे? उस बोझ ने तुम्हें मार नहीं डाला, मार नहीं डाला? बड़ी माँ माफ कीजिए, राज ने जो सीखा वही किया। बड़ी माँ आपके लिए ओसवाल परिवार के नाम से बढ़कर और कुछ नहीं है। आप हमेशा से कहती रही हैं, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी हो जाए, लेकिन ओसवाल परिवार के नाम पे कभी दाग नहीं लगना चाहिए। शायद माँ राज ने ओसवाल का नाम बचाने के लिए ये कदम उठाया हो। हमारी परवरिश पर सवाल उठा रही, तुम हमारी सीख पर उंगली उठा रही हो, अपने पति की करतूतों पर भी? एक औरत होकर औरत पे हुए अन्याय से तुम्हारा दिल नहीं टूट रहा? तुम्हारे दिल में दर्द नहीं हो रहा? क्या हो गया तुम्हें चित्रा? बड़ी माँ, चाची जी, प्लीज शांत हो जाए। इस वक्त हम सब का एक साथ होना बहुत जरूरी, तभी हम इतनी बड़ी समस्या का हल निकाल पाएंगे। इन हालातों से उभरने के लिए हम सबको शांत रहकर एक दूसरे का सहारा बनने की बहुत जरूरत है। प्लीज जब गोपीचंद जी ने हमें धोखा दिया था तब भी हमें इतना दर्द नहीं हुआ जितना आज अपने बेटों के करतूतों के बही खाते को देखकर हुआ है। हे दुर्गा, हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई? हमारे बच्चों ने किसी की जान ले ली, एक बच्चे को पैदा होने से पहले। एक बेटे ने सच कहने की हिम्मत नहीं की तो बात यहां तक पहुंची, और दूसरे बेटे ने उस सच को दफनाने के चक्कर में इतना बड़ा गुनाह कर दिया। पाप किया है तुम दोनों ने, पापी हो तुम दोनों। आज हमारा सर शर्म से झुक गया है। आज गीतांजलि देवी ओसवाल के अभिमान को, उसके मान को उसके बेटों ने ही चकनाचूर कर दिया, उसके ही दोनों बेटों ने। मां मुझे माफ कर दो मां, मुझसे गुनाह हुआ है, पाप हुआ है मां। आपका घर श्रापित है, तैयार रहिए, क्योंकि उसे एक सदस्य के पाप का हर जाना आप सबको भुगतना होगा। पंडित जी ने कहा था हमारे घर से पाप हुआ है और हमारे पूरे परिवार को उस पाप का हर जाना भुगतना पड़ेगा। ये सारा दोष मेरा है,
चारू लता के साथ बहुत बुरा हुआ, बच्ची के साथ भी बहुत गलत हुआ। मैं दोषी हूं। बड़ी मां, बहुत गलतियां पहले ही हो चुकी। बड़ी मां, हम और पाप के भागीदार नहीं बन सकते। मतलब ये बड़ी मां, कि अभी तक जितनी भी गलतियां हुई उनमें अगर सबसे ज्यादा किसी ने भुगता है तो वो मासूमी। पैदा होते ही अपनी जुड़वा बहन को खो दिया, फिर अपनी मां को, और वो पली बड़ी भी एक अनाथ आश्रम, जबकि इन सब में उसका कोई कसूर नहीं था बड़ी। और अगर ये सब जानते हुए भी हमने उसे इस घर से निकाल, उसे उसके हाल पे छोड़ दिया, तो हम और बड़ा पाप कर बैठेंगे बड़ी। सिमर सही कह रही है माँ, अगर हमने मासूमी को घर में नहीं रहने दिया ना तो बहुत गलत होगा माँ। उसे उसे मत निकालिए, उसे रहने दीजिए घर में माँ, प्लीज। सच कहें तो इस वक्त हमारी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें और क्या ना करें। वही कीजिए जो हमेशा से करती आई है मां। इस घर को टूटने से बचा लीजिए मां। माना कि गलती हुई है, गलती नहीं पाप हुआ है, लेकिन किसी एक इंसान के पाप की सजा पूरा परिवार क्यों भुगतेगा? मेरे बच्चों से क्या गलती हुई है? उनके साथ तो उनके पिता ने ना इंसाफी की है ना, दिल दुखा है उनका, और उनके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय आप लोग उस लड़की को इस घर में रख के उनके जख्मों को और क्यों खुदना चाहते हैं? नहीं, वो लड़की इस घर में नहीं रह सकती। संध्या बहू, माँ आपने कहा था ना माँ कि आप मेरे साथ हैं, मेरा जो फैसला होगा आप उसमें मेरा साथ देंगी। तो मैं चाहती हूँ वो लड़की इस घर में नहीं रहे। किसी के पाप का भुगतान मेरे बच्चों की खुशियों की कीमत पर नहीं होगा। नहीं, इस वक्त हमारी ताकत, हमारी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे चुकी है। हमें नहीं लगता कि हम अभी इसी वक्त कोई भी सही फैसला लेने की स्थिति में है, लेकिन सिमर तुम हो, इस मुद्दे को तुम हर पहलू से बिना पक्षपात के देख सकती हो, इसीलिए वो लड़की इस घर में रहेगी या नहीं इसका फैसला हम तुम पर छोड़ते हैं। हम जज्बाती होकर कोई फैसला नहीं लेना चाहते, और हमें हमारी सिमर पर खुद से ज्यादा भरोसा है। हमें यकीन है कि सिमर जो भी फैसला लेगी वो इस घर, इस परिवार के हित में ही होगा। होगा ना बेटा? जी बड़ी मां, मेरे हर फैसले में सबसे ऊपर हमारे परिवार की भलाई होगी बड़ी। वादा करती हूँ बड़ी कि मुझसे जो हो पाएगा मैं वो करूंगी। जय मां दुर्गा। जय मां दुर्गा। जय मां दुर्गा।
माँ बुलाती हो ना मुझे सिमर, तो अपने बेटे होने का फर्ज भी अदा करना, अपनी माँ को इंसाफ जरूर दिलाना।